नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, अभी दो दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसका मैंने वीडियो डाला था, एस्ट्रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, आंध्र प्रदेश स्टेट की ये जॉब है और इसमें ऑल इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, ये हम सब के लिए अच्छी बात है। रिटर्न एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन के लिए, उसका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा और कैसे कैसे सीटें आपको मिलेगी, सभी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके एक एक पॉइंट इसमें क्लियर करने वाला हूं, सभी डिटेल से अपन बात करेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कोर्स वहां पर अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की ये वैकेंसी है और एस्ट्रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की है, उसमें दो होते हैं, एक साउथर्न होता है और एक एस्ट्रन का होता है। एनर्जी असिस्टेंट यानी जूनियर लाइनमैन सेकेंड के लिए वैकेंसी है, कुल 398 इसमें पद है यानी 398 पोस्ट है इसमें। अब इसमें ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ें ध्यान रखें, और केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, ये ध्यान रखना, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती है। 18 वर्ष से 35 वर्ष की एज इसमें रखी गई है। 1 जुलाई 2021 के अनुसार आपके एज की गणना की जाएगी। 398 पोस्ट के लिए है और इसमें देखिए दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कब से लेकर कब तक अप्लाई करेगा ये भी देखिए, 30 अगस्त 2021 से लेकर के 24 सितंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 25 दिन का समय आपके पास है, 26 दिन का समय आपके पास है और ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आप देखें यहां से और अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अलग अलग इसमें सर्किल वाइज वैकेंसी है तो आपको अपना सर्किल चूज करना है वैकेंसी के टाइम ही, और उस सर्किल में पर्टिकुलर आप में अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन एज पर कैटेगरी को जो भी रिजर्वेशन है वो सब छूट मिलेगी आपको इसमें। बात करते हैं दोस्तों हम तो इसमें कि जो सीटें हैं उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो पहले हमें एक्सपीरियंस का लग रहा था कि एक्सपीरियंस रखा जाएगा, जबकि इसमें किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है, ध्यान रखें। 10+ ITI है आपका इलेक्ट्रिशियन से या वायरमैन से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 वर्ष का आपने वोकेशनल कोर्स कर रखा हो इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लाइंसेज यानी घरेलू उपकरणों और रिवाइंडिंग वाले में तो वो भी अप्लाई कर सकता है। वायरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग इसमें अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है तो भर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इसमें अगर कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी ITI के अलावा अगर आपके पास दूसरे सर्टिफिकेट है तब भी यू आर एलिजिबल। दोस्तों, यदि बात करें हम सीटों के लिए तो ध्यान रखिएगा कि इनमें से 80% सीट जो है वो वहाँ के लोकल के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। दोस्तों, सीटों का बंटवारा कैसे होगा मैं वो बता दूं आपको, 80% सीट जो है वो लोकल के लिए रिजर्वेशन है। लोकल के लिए रिजर्वेशन का मतलब ये है कि वो इन ज़िलों के या इन सर्किल के अधीन आते हो उन विद्यार्थियों को छूट मिलेगी। कौन कौन से है वो देखिए दोस्तों, वो है श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और राजमहेंद्रवर्णम जो ईस्ट गोदावरी में है, और एलुरु जो वेस्ट गोदावरी में है। इन ज़िलों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एज ए लोकल ट्रीट किया जाएगा और 80% सीटें उनके लिए रिजर्व है, यानी लगभग आप ये कह सकते हो कि अगर हम देखते हैं 400 का 80% तो लगभग 320 के आसपास आई थिंक सीटें बनेगी, है ना। हाँ, तो ये जो सीटें हैं वो वहाँ के लिए रिजर्व है, बाकी जितनी भी सीटें हैं वो ओपन है यानी सब के लिए है, ठीक है दोस्तों। यानी आप राजस्थान, MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा यानी इन ज़िलों के कैंडिडेट हैं और आप यदि वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए केवल वहाँ पर 20% सीटें हैं, वहीं आपको कंपटीशन फाइट करना होगा। ये देखिए यहाँ पर लोकल कैंडिडेट जो है उनके लिए 20% है, 80% है और ओपन कंपटीशन है 20% सीटें।
यानी जो 20% सीट है उसमें भी वहाँ के कैंडिडेट आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आप आंध्र प्रदेश स्टेट से है तब तो आपके लिए वैकेंसी बहुत काम की है, अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि केवल 20% सीटें हैं और वो भी ओपन कंपटीशन है। ओपन का मतलब होता है इसमें कोई रिजर्व नहीं है, और इसमें जो आंध्र प्रदेश स्टेट के टॉप मोस्ट कैंडिडेट होंगे वो भी यहाँ इंक्लूड हो सकते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और फीस पेमेंट की यदि बात की जाए तो फीस पेमेंट भी काफ़ी रखा गया है, 700 रुपये रखा गया है जनरल और ओबीसी से, जबकि एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 350 रुपये का फीस रखा गया है यहाँ पर। और अदर स्टेट वाले जितने भी होते हैं वो तो वैसे भी जनरल में ट्रीट किए जाते हैं, तो आपको पूरी फ़ीस पे करनी होगी। दोस्तों यदि बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के आएंगे, जबकि 20% जो रहेंगे यानी टोटल ओवरऑल 100% जो रहेगा, और इस पेपर का भी केवल 80% ही लिया जाएगा, ध्यान रखें, यानी 80 नंबर लिए जाएंगे और 20 नंबर जो है वो मिलेंगे अनुभव के आधार पर, आपको बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए टोटल 100 नंबरों का जो है वो वेटेज निकाला जाएगा, जिनमें से 80 नंबर रिटर्न एग्ज़ाम के हैं उसमें से 80 लिया जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा, तो ये तो काफ़ी होता है। 80 क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 105 मिनट मिल जाएगी, और जो 20% मार्क्स है वो आपको आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम में काम करने का जो बोनस है उसके बदले में बोनस आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ओवरऑल जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, और इस 100 मार्क्स में से आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और बाकी फिजिकल टेस्ट भी है दोस्तों इसमें पार्ट बी में, खैर वो बाद की बात है। और फिजिकल टेस्ट में जैसे पोल क्लाइंबिंग, मीटर रीडिंग और साइकिलिंग, ये काम करवा कर देखे जाएंगे, तो ये बाद की बात है। ठीक है दोस्तों, और पार्ट सी जो है वो है क्वालिफिकेशन के लिए बाद में, कि जो रिटन टेस्ट कंप्लीट कर जाएंगे उनमें 1:3 में बुलाया जाएगा, और पार्ट बी जो है वो आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद में कोई किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, और सभी दोस्तों टेंटेटिव डिटेल इन्होंने पहले ही दे दी है, ये ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। और 30 अगस्त से 24 तक आपका फॉर्म रहेगा, फॉर्म अप्लाई करने का है, और उसके बाद में है 26 से 28 तक ऑनलाइन कुरेक्शन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच आप अपना होल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 12:45 बजे तक रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, और उसी दिन आपका आंसर की जारी हो जाएगा। 10 तारीख से 13 तारीख तक आप आंसर की पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 26 से 30 के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आ जाएंगे, और 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ये सारी डिटेल है। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो 15-11 को आ जाएगी, यानी ये कंप्लीट डिटेल इन्होंने दी है, और ये सब डिटेल आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सारी डिटेल इन्होंने पहले ही दे दी है। इस वीडियो को लाइक कर देना, किसी और जानकारी के लिए इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ये PDF वहाँ पर सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।